हजरात, कैसे हैं आप लोग? अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। कराची, वैसे तो आपने कराची के मुतालिक बहुत कुछ सुना होगा कि वहां पर बड़े चटपटे खाने खाए जाते हैं और वहां बहुत सारे मसाला जात से खाने तैयार किए जाते हैं। तो ये बिल्कुल बात सच है और वाकई ऐसा होता है। कराची में बहुत ज़्यादा मसालों के साथ खाने बनाए जाते हैं और बहुत ही चटपटे खाने खाए जाते हैं। उसी निस्बत से मुझसे बहुत से लोगों ने कहा कि आप जो हैं प्लीज़ मुझे हमें बताएं कि कराची की बिरयानी कैसे बनती है, कराची का हलीम कैसे बनता है। तो मैंने कहा भाई मैं कोई प्रोफेशनली तो बनाती नहीं हूँ बिरयानी, मगर ये है कि हाँ मैं ये ज़रूर कोशिश करूँगी कि आप लोगों को ये ज़रूर बता सकूँगी कराची की बिरयानी किस तरह तैयार की जाती है। तो आइए मेरे साथ और चलते हैं और करते हैं बिरयानी की तैयारी। चले, सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरे साथ ये आ रहा है कि मुझे चिकन को काटना है, क्योंकि बिरयानी मैं चिकन की बना रही हूँ। तो आइए देखते हैं, जर्मनी में जो है वो साबुत मुर्गी मिलती है भाईजान, हमें वही काटनी है। तो आइए चल के वो काटते हैं। फाइनली बड़ी जद्दोजहद के बाद नाजरीन ये मुर्गी कट चुकी है मुझसे। अब आइए बिरयानी किस तरह बननी है ये बताती हूँ मैं आपको। चलें जी जनाब। तो अब मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो चीज़ें मैंने निकाल ली हैं। सबसे पहले तो चिकन जो कि मैंने काट ली थी, धो के रख ली है उसको। ये 1 किलो चिकन थी, मगर मैं इसमें से जो है आधा किलो चिकन जो है वो यूज़ करूँगी, ठीक है। उसके बाद जो है ये प्याज है, ये तकरीबन 3 अदद जो है वो प्याज है दरमियाने साइज की। ये 4 टमाटर हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मसाला ज़्यादा रखना है, इस वजह से मैं जो है इसमें 4 टमाटर डाल रही हूँ। कराची की बिरयानी हो और उसमें आलू ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। तो खैर मैंने इस वजह से, हमारे यहाँ सब जो है बड़े शौक़ से आलू खाते हैं, तो मैंने जो है बिरयानी के लिए इसमें तकरीबन 4 अदद ज़रा बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, ये देख लीजिए। उसके बाद अपना ये हमने लिया है बिरयानी का मसाला, ये हो गया। ऑयल की ज़रूरत आपको पेश आएगी। अच्छा जनाब, ये जो है ये लहसुन अदरक है, ये थोड़ा ज़्यादा पिसा हुआ है, तो इस वजह से मैं अपने हिसाब से इसमें जो है ऐड करूँगी। ये साबित गरम मसाला है जिसमें मैंने 2 बादियान के फूल लिए हैं, 3 जो हैं बड़ी इलायची हैं, ज़ीरा है 2 चमचे और हरी इलायची है, और उसके अलावा जो है मैंने सूखी हुई जो मिर्चें होती हैं ये ली हैं, और लौंग है और 2-3 काली मिर्चें हैं। उसके अलावा जो है ये है दही, ये तकरीबन 300 ग्राम जो है ये मेरे पास दही है, आधा किलो चिकन के लिए मैं बता रही हूँ। और ये जो है ये हरा मसाला है, आप इसमें हरे मसाले में अपने हिसाब से देख सकते हैं, अगर आपको और हरा मसाला पसंद हो तो आप वो उसमें और ऐड कर सकते हैं। तो जनाब ये तकरीबन ऐसी चीज़ें हैं जो कि इस वक्त फ़िलहाल मुझे एक बिरयानी, कराची बिरयानी बनाने के लिए जो है दरकार है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। अच्छा जनाब, अब पतीली मेरे पास गर्म हो चुकी है, तो मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल ऐड कर दिया है। मैंने तकरीबन 1 कप ऑयल जो है इसमें ऐड किया, थोड़ा ज़्यादा है, मगर बिरयानी में जो है वो ज़्यादा ही ऑयल अच्छा लगता है। अब मैं इसके अंदर जो है गरम मसाला जो भी था वो ऐड करूँगी, मगर गरम मसाले में मैं ये जो है जायफल जो है जावित्री, ये जो दोनों चीज़ें ऐड नहीं करूँगी। जावित्री मेरे पास पिसी हुई रखी हुई है। अब ये सारी चीज़ें जो है मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा जी, मैंने अपने पास देखा तो मुझे मिल गया, तेज़पत्ता भी था मेरे पास, तो मैंने कहा कि ये भी मैं डाल देती हूँ। तकरीबन 3 से 4 मैंने जो है इसमें तेज़पत्ते डाल दिए हैं। अब ये देखें आप बिल्कुल रेड हो गई है, तो अब मैं इसके अंदर चिकन जो है वो ऐड कर दूँगी। आज मेरे हस्बैंड जो घर पे थे तो मैंने कहा कि आज आप जो है मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करवा दें और मेरी वीडियो में थोड़ा सा, क्योंकि हमेशा किचन के काम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है और मुझसे नहीं बन पाती है, तो आज मैं अपने हस्बैंड की शुक्रगुजार हूँ कि वो जो है मेरी हेल्प कर रहे हैं। क्यों ना जी, बिल्कुल। अब मैं जो है वो ये चिकन कम मेरे पास जो है मैंने डाल दिया इसमें। अब मैं इसके अंदर जो है लहसुन अदरक जो है वो ऐड कर दूँगी। आप देखिए तकरीबन ज़रा थोड़ा ज़्यादा मकदार में ही आप ऐड कर दीजिएगा। ये देखिए मुझे ज़रा अच्छी लगती है कि लहसुन अदरक की खुशबू जो है वो इसमें ज़्यादा अच्छी आए, तो इस वजह से मैंने ज़रा ज़्यादा ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं। तकरीबन मैंने 4 से 5 चमचे जो हैं बड़े वो इसमें ऐड किए हैं। अब मैं इसको जो है ये देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी। ये जो है चिकन इस वक्त मेरे पास जो है आप देखें बिल्कुल भुन गई है, भिन हो गई। अब मैं इसके अंदर जो है वो टमाटर और दही, ये देखिए ये ऐड करूंगी। जी जनाब, मैंने इसके अंदर टमाटर और दही जो है वो ऐड कर दिया था। अभी इसमें शान का पैकेट मैंने ऐड नहीं किया। अब मैं जो है तकरीबन पूरा तो नहीं मगर ये है कि हाँ आप आधा पैकेट आधा किलो में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, शान का जब मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर, तो अब मैं जो है इसके अंदर ये आलू भी ऐड कर दूंगी ताकि ये इसी मसाले में जो है वो भुन जाए चिकन के साथ। ये देखिए जनाब, अब ये देखिए इसमें अच्छा खासा अभी पानी है क्योंकि जाहिर सी बात है अभी मैंने इसमें दही डाला है, टमाटर डाले हैं, तो इसमें थोड़ा सा पानी है। इसको जो है मैं अभी थोड़ा सा गलने दूंगी ताकि ये चिकन और जो आलू है ये गल जाएं। इसमें मैं अब क्योंकि अभी तकरीबन सारा मसाला जो है इसमें शामिल हो चुका है, तो इसमें मैं 2 बड़े चमचे जो है अब नमक के ऐड करूँगी। ठीक है, और इसी टाइम में जो है मैं चावल भी अपने भिगो दूंगी। तकरीबन 1 से 1.5 घंटा मैं अपने चावल को जो है वो भिगोती हूँ, तो इससे जो है वो अच्छे लॉन्ग हो जाते हैं। अच्छा, हमारी वाइफ जो है वो माशाल्लाह से बिरयानी बहुत ही मज़े की बनाती हैं, और जब भी बनाती हैं हम लोग खाते हैं, तो मैं इनसे यही कहता हूँ कि वैसे तो मैंने खाना पकाना सिखा दिया। ओहो जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे वाकई जब मेरी शादी हुई थी तो मुझे खाना पकाना बिल्कुल भी नहीं आता था, और मैं इतने मज़े की बात बताऊँ, एक दिन हमारे घर में गेस्ट आ रहे थे और मेरी शादी को मुश्किल से 2-3 महीने ही हुए थे, और नजमी ने मुझसे कहा कि आप जो है कुछ ऐसा अच्छा सा खाना बना लीजिएगा। मैंने कहा बिल्कुल बिल्कुल मैं ज़रूर बना लूँगी, और मैंने जो है नजमी ने मुझे चिकन ला के दी। नजमी ने कहा कोई अच्छी सी कढ़ाई बना लेना भाई। मैंने कहा अच्छा जनाब बिल्कुल बिल्कुल, और उस वक्त YouTube वगैरह तो होता नहीं था कि आदमी झटपट देख के जो है वो फ़ौरन बना ले। तो मैंने कहा यार देखा हुआ था कि कुछ लाल कलर का शोरबा सा होता है और किस मकदार में लहसुन अदरक पड़ता है, क्या होता है, ये कुछ भी पता नहीं था। खैर मैंने जो है वो चिकन ली और मैंने कहा कि नजमी आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, मैं इतनी ज़बरदस्त इस वक्त आपको कढ़ाई खिलाऊँगी आपके सब रिश्तेदारों को कि आप खुश हो जाएंगी। नजमी ने कहा ठीक है भाई, और हमें छोड़ दिया किचन में। और मैंने जो है जनाब किचन में बड़े अपने हिसाब से बहुत शक्ल का बहुत अच्छा सालन बनाया, मगर मुझे यही नहीं पता था कि जो है चिकन को पहले भूना जाता है ऑयल में लहसुन अदरक डाल के। हो जाता है, कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कोई मसला नहीं था। खैर जो मेहमान आए थे बेचारे अल्लाह उनको इसका अजर देगा, उन्होंने इतनी तारीफ़ें करी, अरे नहीं नहीं वाह बहुत मज़े का खाना बना हुआ है, बहुत अच्छा खाना बना हुआ है। और उस वक्त नजमी जो थे वो थे नहीं, ऑफिस में थे जब नजमी आए, और जब नजमी ने वो खाना खाया तो नजमी कहने ये इसमें तो गोश्त की बहुत स्मेल आ रही है। मैंने कहा नहीं नजमी अभी सब मेहमान गए, उन्होंने तो इतनी तारीफ़ें करी हैं। तो मैंने कहा नहीं यार इसमें तो बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है गोश्त की। खैर बहरहाल मैं तो क्योंकि गोश्त की मुझे स्मेल इतनी फ़ील नहीं हुई थी तो मैंने तो उस चीज़ को इतना वो नहीं किया, मगर वो दिन है और आज का दिन है, मैं यही सोच रही थी कि वाकई आदमी को थोड़ा बहुत आना चाहिए। मगर आजकल बड़ा अच्छा एडवांस ज़माना हो गया है और ये है कि लड़की जो है यूट्यूब वगैरह से काफ़ी हद तक सब चीज़ें सीख लेती हैं। खैर फिर मैंने सब लोगों से थोड़े लोगों से हर दफ़ा पूछ के, अम्मी से अपनी सास से पूछ के जो है वो फिर कुकिंग स्टार्ट करी कि नहीं यार अब सीरियस हो जाओ, कब तक बग़ैर भुना हुआ खाना जो है वो लोगों को खिलाते रहेंगे हम। तो बस फिर ये हुआ कि अल्लाह अल्लाह करके अब आ ही गया है खाना और अब पता लग गया है कि किस तरह खाना बनता है। अच्छा जनाब अब ये देखिए ये मेरी जो है ज़बरदस्त बिरयानी का मसाला जो है इस वक्त तैयार हो चुका है। अब जो मैंने इसमें जायफल और जावित्री डाली है, अब मैं इसको अच्छी तरह जो है वो कूट लूँगी। ये देखिए अब ये मसाला जो है इस वक्त भुन रहा है और तकरीबन भुन चुका है और अब जो है मैं इसमें केवड़ा ऐड करूँगी। केवड़ा ऐड कर दिया है। देखिए मैंने तो इसमें मैंने कोई भी साबित मसाला नहीं डाला है, कोई भी चीज़ नहीं डाली है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, बल्कि के और लोग डालते भी हैं खुशबू के लिए, मगर मैं ख़ुद जो बनाती हूँ उसमें मैं इसमें कोई चीज़ भी ऐड नहीं करती हूँ। ये नॉर्मल सादे उबलेंगे और उसके बाद मैं इसकी चावलों की तहर लगा दूँगी। जी जनाब तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हरा मसाला किस तरह ऐड होगा। यहाँ थोड़ा सा लाइट का इशू है, आपको हो सकता है थोड़ा सा डार्क नज़र आ रहा हो, मगर मैं क्या करूँ इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है आज मौसम भी बाहर का काफ़ी बादलों वाला है तो इस वजह से लाइटिंग थोड़ी सी मसला है इस वक्त। अच्छा उसके बाद मैंने ये जो हरा धनिया है ये देखिए नाजरीन, और इस वक्त मैंने जो है वो हरा मसाला इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। अच्छा जी अब जो है ये मैंने हरा धनिया जो उस वक्त काटा था उसका आधा ये है और लेमन मैंने इस तरह स्लाइसेस में काट लिए थे। और अब इसके बाद जो है जनाब मैं हरी मिर्चों को बारीक बारीक काटूंगी। बिरयानी का जो थोड़ा सा बचा हुआ मसाला है ना वो इसको मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ठीक है जी, और अब मैं इसको बहुत अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लूँगी। जी जनाब तो अब मेरे चावल जो हैं वो बॉइल्ड हो चुके हैं। अब मैं जो है इसमें तह का प्रोसेस स्टार्ट कर रही हूँ। आप देखते हैं ये अभी चावल जो हैं एक चीज़ मुझे और याद है कि अक्सर और बेशतर पाकिस्तान में, बल्कि क्या हम लोग यहाँ पर भी अक्सर और बेशतर कभी ऐड कर देते हैं, वो है दही। अब ये दही जो है मैंने इसके अंदर मिक्स कर देना ऊपर से। अब जनाब मैं इसके अंदर जो है वो जर्दे का रंग ऐड करूँगी। ये देखिए इस तरह, ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है जी, जब ये ऐड हो गया तो अब इसके बाद जो ये जो मैंने मसाला बनाया था ये मैं ऊपर इसमें इसके ऐड कर देती हूँ। हिसाब से आज जो होती है वो जो भी काम कर रहे होते हैं उनकी छुट्टी होती है, बंद कर। और साथ में एक चीज और, उसमें 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 आलू भी होते हैं। रेसिपी दूँ और उसके वो बताऊँ कि किस तरह तैयार की जाती है। तो